नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट सुर्खियों में रही। भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर यहां से बीजेपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतार दिया। वरुण गांधी के अगले कदम को लेकर सियासी कयासों का बाजार गर्म हो रहा है। अब मतदान की तिथि करीब आ रही है और चुनाव प्रचार जोरों पर है। रैलियों का दौर है, लेकिन वरुण गांधी सियासी सीन से गायब नजर आ रहे हैं। पीलीभीत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली और नजरें वरुण गांधी पर होगी। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या वरुण गांधी आज बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे, मंच पर नजर आएंगे। ये सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं। दरअसल वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना दिया। टिकट कटने के बाद यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। वरुण गांधी ने नॉमिनेशन के लिए 4 सेट में पर्चा भी दाखिल कर लिया था। इधर जितिन प्रसाद ने प्रचार अभियान का आगाज किया और उधर वरुण गांधी मैदान में नहीं उतरे, लेकिन एक चुप्पी ओढ़ ली। वरुण गांधी पीलीभीत को लेकर पिछले कुछ साल से सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन 28 मार्च के बाद से उन्होंने अपने एक्स हैंडल से कोई भी पोस्ट नहीं किया। वरुण ने 28 मार्च को एक्स हैंडल से पीलीभीत की जनता के नाम एक चिट्ठी पोस्ट की थी और तब से अब तक उन्होंने कोई पोस्ट जाहिर नहीं किया। वही बीजेपी नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर नाम के साथ ब्रैकेट में मोदी का परिवार जोड़ रखा है और वहीं वरुण गांधी के हैंडल की तस्वीर अलग है। वरुण गांधी ने जो है अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर नाम में ना तो मोदी परिवार जोड़ा है और ना ही पूरे बायो में कहीं भी बीजेपी का जिक्र है। वरुण गांधी की चुप्पी से पीलीभीत में उनके समर्थक भी असमंजस में है। अब वरुण गांधी अगर पार्टी की रैली के मंच से नारादद नजर रहते हैं तो इसका भी एक नकारात्मक संदेश जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कटने से संभावित डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी मेनका गांधी को मंच पर ला सकती है। मेनका गांधी ने वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद बगावत की चर्चाओं पर यह कहकर विराम लगाने की कोशिश की थी कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। उन्होंने वरुण गांधी को बहुत अच्छा सांसद बताते हुए यह भी कहा कि आगे जीवन में वह जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा करेंगे। पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।